हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता वालम। दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप यूजर हैं? इतने सारे अपडेट्स आने के बाद भी अभी भी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। या फिर आपने व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है अपनी प्राइवेसी को लेकर, तो आपकी प्राइवेसी कुछ इस तरह से रह जाती है जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों, जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है तब से बहुत सारे लोग परेशान होकर व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी व्हाट्सएप या फिर बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में जो भी चेंजेस किए हैं, इसे आप अग्री करें या ना करें, इससे व्हाट्सएप को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटा है। 2016 से वो डेटा ले ही रहा था और अभी भी ले रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, वो हमारा डेटा ले ही नहीं पाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों एक ही कंपनी का मालिक है, जिसका नाम है मार्क जकरबर्ग। आप फेसबुक पे किसी से मैसेज में बात करते हैं, फोटो पे लाइक कॉमेंट शेयर करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वो सारी चीजें अनइनक्रिप्टेड होती हैं, यानी इनक्रिप्टेड नहीं होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज किया, ठीक है, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि इनके पास जो मैसेज जाएगा वो उन तक ही पहुंचेगा और बीच में कोई भी मैसेज नहीं पढ़ पाएगा, मतलब बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड, मतलब एक बंदे ने मैसेज किया, दूसरे के पास पहुंचा, बीच में कोई भी मैसेज को नहीं पढ़ सकता। बट फेसबुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फेसबुक आराम से उस मैसेज को पढ़ सकता है, इनफैक्ट पढ़ता भी है। आपको बता दें कि फेसबुक पर आपने जिन जिन लोगों से बातें की हैं वो सारी बातें फेसबुक को पता है, जो भी लाइक्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट्स किए हैं, जिन जिन पोस्ट को शेयर किए हैं, वो सारी चीजें फेसबुक को पता है, क्योंकि उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। और वो हमारे डेटा को क्या करेगी कि वो थर्ड पार्टी से सेल कर देगी और बदले में उन्हें पैसे मिल जाएंगे। आजकल डेटा का जो वैल्यू है ना, मनी के बराबर है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि डेटा ही एक अपना करेंसी है। अब क्या है कि फेसबुक के पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटा मौजूद है, अब और ज्यादा डेटा लेना चाह रहे हैं, इसलिए व्हाट्सएप में ये चेंजेस ला रहे हैं ताकि व्हाट्सएप के जरिए भी और ज्यादा डेटा ले पाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप 3 मई 2009 में लॉन्च हुई थी और ये जब धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना मोटा रकम $19 बिलियन में व्हाट्सएप को क्यों खरीदा। जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन अपना नुकसान नहीं चाहेगा, जितना भी इन्वेस्ट करता है, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उससे कम से कम 2-3-4 गुना ज्यादा रिटर्न ले सके तभी वो इन्वेस्ट करता है। तो मार्क जुकरबर्ग ने $19 बिलियन स्पेंड किए थे व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा था। तो व्हाट्सएप खरीदने से पहले फेसबुक की टीम पहले ये डेटा मार्क जुकरबर्ग को दे दी होगी कि भाई $19 बिलियन आप खर्च कर रहे हैं तो इससे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस है, तभी उन्होंने ये स्टेप लिया था। तो मेरे ख्याल से उसे 4-5 गुना क्या, उससे कई गुना ज्यादा अर्न कर चुके हैं मार्क जुकरबर्ग ने, यानी फेसबुक कंपनी। आप फेसबुक कंपनी कह ले या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, बराबर है क्योंकि तीनों का मालिक एक ही है। आपको बता दें कि फेसबुक की कमाई एडवर्टाइजमेंट से होती है। अब वो कैसे, जैसे आप फेसबुक पे किसी से मैसेज में बात करते हैं और बात करते करते आपने फोन का जिक्र कर दिया कि भाई मुझे फोन लेनी है। अब सामने वाला बंदा पूछेगा कि भाई कौन सी फोन लेनी है, तो आप सपोज करो आपने बोल दिया वीवो V20 लेनी है, तो फिर अगले दिन आपको वीवो V20 के एड्स दिखाने लग जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि फेसबुक में कोई भी इंक्रिप्शन नाम की चीज है ही नहीं, मतलब ये कि आप फेसबुक पे किससे क्या बात कर रहे हो वो सारी चीजें फेसबुक को पता है और फेसबुक ऑलरेडी डेटा बेच रही है थर्ड पार्टी से। तो आपने मैसेज में बात किया कि मुझे वीवो V20 फोन लेनी है, तो डेटा तो जा रहा है ना थर्ड पार्टी के पास, तो वीवो V20 का कीवर्ड्स थर्ड पार्टी के पास गया, तो थर्ड पार्टी क्या है, वो आपको एड्स दिखाएंगे, टारगेटेड एड्स। तो ये चीज ऐसे काम करती है। तो ये है फेसबुक का बिजनेस मॉडल। ओवरऑल देखा जाए तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जितने भी यूजर्स हैं उन सभी लोगों का डेटा किसी थर्ड पार्टी से बेच देती हैं। अब थर्ड पार्टी को हमारी पसंद और नापसंद के बारे में पता चल जाता है, कैसे, जैसे फेसबुक पर हम जो भी लाइक कमेंट शेयर करते हैं उससे पता चल जाता है, और मैसेज में क्या बात कर रहे हैं वो भी चीजें पता चल जाती है। तो जैसे आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया, ठीक है, इनविटेशन पे आप गए, तो इनवाइट जो देता है तो वो खड़ा होकर देखता है कि भाई किसके प्लेट में क्या कमी है, लाइक आपको चिकन चिली और चाहिए,
प्लेट में कम नजर आ रहा है तो वो आपको देगा कि भाई अब ले लो, ठीक वैसे ही, या फिर आपको चावल चाहिए या फिर या आपको ग्रेवी चाहिए तो वो आपको एक बार सर्व करेगा, पूछेगा कि भाई आप लोगे, ठीक वैसे ही वो आपको एड्स दिखाएगा कि भाई आप खरीद लो। तो ये फंडा ऐसे काम करता है। लेकिन व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ था तो इनिशियल डेज में ये कहा था कि हम कम से कम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये कह रहा है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कि हम आपका डेटा फेसबुक के साथ एसोसिएट करेंगे, जो कि ऑलरेडी फेसबुक अपने डेटा थर्ड पार्टी से बेच रही है, दे रही है, तो आप एसोसिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है जाएगा ही, तो थर्ड पार्टी को हम डायरेक्टली दे भी सकते हैं। तो यह भी चीज अपने प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है। इसलिए इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं। हाँ, यह बात सच है कि व्हाट्सएप में अभी भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम है, यानी कि अगर मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूं तो वो मैसेज आप तक जाएगा और बीच में उस मैसेज को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ना गवर्नमेंट और ना ही खुद व्हाट्सएप। अगर फिर भी कोई हैकर या फिर कोई भी पर्सन उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको कुछ अलग ही कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ अलग ही कोडिंग दिखेगी। अगर हम बात करें व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट की तो उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली चीजें काम नहीं करती है, इसलिए बेहतर होगा कि उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज ना करें। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट्सएप हमारा क्या क्या डेटा ले रहा है। तो सबसे पहले ये कि आप स्मार्टफोन कौन सा यूज करते हैं, उसका मॉडल नंबर क्या है और उस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से चल रहे हैं, उसकी बैटरी लाइफ कितनी बची है, आपकी आईपी एड्रेस क्या है जिससे आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, अपने प्रोफाइल में कौन सी फोटो लगा रखी है, अपने प्रोफाइल पे क्या नाम दिया हुआ है, अपने स्टेटस कौन सा लगाया हुआ है, और तो और आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों के नाम, प्रोफाइल फोटोज, स्टेटस, उन्होंने क्या लगाया हुआ है, ओवरऑल सारी चीजें फेसबुक को भेज देंगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे डेटा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टी को बेचने में। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे एड्स दिखाए जाएंगे, फिर आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एक या तो आप अपने डेटा व्हाट्सएप को देते रहें, वो फेसबुक के साथ शेयर करें या फिर किसी थर्ड पार्टी से बेच दें और आप एड्स देखते रहें, या फिर आप व्हाट्सएप को यूज करना ही छोड़ दें। लेकिन इससे होगा क्या, फेसबुक तो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे डेटा ले चुके हैं। खैर, व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है इससे लोगों की उम्मीदें साफ खत्म होती हुई नजर आ रही है, इसलिए लोग व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम यूज करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि टेलीग्राम भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसमें भी बहुत सारे इलीगल चीजें होती हैं, उसमें तरह तरह की मूवीज, पायरेटेड चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप्स बनते हैं और उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली चीजें नहीं है, न चैट में है और न ही ग्रुप में है। तो कल को अगर कुछ भी होगा, मान लीजिए कंपनी वाला केस करता है ग्रुप के एडमिन पे, तो टेलीग्राम कंपनी क्या करेगी कि वो पूरी डिटेल दे देगी कि भाई ये एडमिन है, ये इसका नाम है, ये इसकी फोटो है, ये इसकी आईपी एड्रेस है, जाके पकड़ लो, तो पुलिस जाके पकड़ लेगी। तो ऐसे केस में उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे वो भी फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली चीजें नहीं है, ना चैट में है और ना ही ग्रुप में है, बस सीक्रेट चैट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि व्हाट्सएप में बाय डिफॉल्ट में मिल जाता है। अगर आप व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि आप सिग्नल ऐप यूज करें। सिग्नल ऐप जो है वो एकदम सेफ एंड सिक्योर है पूरी तरह से। आपको बता दें कि सिग्नल ऐप में सिर्फ आपका मोबाइल नंबर अपने सर्वर के डेटाबेस में स्टोर करता है ताकि ओटीपी से वेरीफाई किया जा सके। लेकिन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखा है कि हम आपका लोकेशन नहीं लेते हैं। हालांकि व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है ये देखिए, वो लोकेशन लेती है और शेयर भी करती है। वो कैसे? फेसबुक से। अगर आप सेटिंग में जाके फेसबुक की परमिशन देखेंगे तो वहां पे शो होगा अलाउ दी ऑल टाइम, यानी आप कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कितना देर रुक रहे हैं, कौन कौन से मार्केट जा रहे हैं, वो सारी चीजें फेसबुक को पता है, आपकी सारी लोकेशन फेसबुक को पता है। तो बात बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे बहुत सारा सामान है आपका, यानी बहुत सारा डेटा है जिसमें लोकेशन भी शामिल है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई हम आपका सामान ये हाथ से हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये व्हाट्सएप हो गया, ये हाथ से हम नहीं लेंगे, जो कि ऑलरेडी हम ये हाथ से ले चुके हैं, फिर हमें ये हाथ से लेने की क्या जरूरत है, ये व्हाट्सएप हो गया, ये फेसबुक हो गया। तो लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप जो है वो हर एक की प्रोफाइल डिटेल रखता है, वो भी लिंक करके, जैसे एक इंसान का उसका नाम हो गया, प्रोफाइल फोटो हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, उसकी लोकेशन हो गया और स्टेटस, जैसे इंसान का जैसा मूड होता है, उसे जो पसंद होता है, नहीं होता है, वो हर एक चीज स्टेटस के माध्यम से शेयर कर देता है। तो इतने सारे डेटा एक इंसान का हो गया, तो सोचिए पूरे मुंबई में कितने लोग हैं, उन सारे लोगों का डेटा अगर एडवर्टाइजर को दे दी जाए तो एडवर्टाइजर बदले में उस व्हाट्सएप को पैसे देगी और फिर वो एडवर्टाइजर क्या करेगी कि
उन सारे लोगों को, पूरे मुंबई के लोगों को वो सारे एड्स दिखाएंगे यूजर्स के अकॉर्डिंग कि किसको क्या पसंद है और किसको नहीं। तो ये सारा फंडा है एडवर्टाइजिंग का। तो मैंने सिर्फ मुंबई का एग्जांपल दिया है, तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरे इंडिया में कितने लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे केस में एडवर्टाइजर का कितना फायदा होगा और व्हाट्सएप को। हालांकि एडवर्टाइजर जो है हमारे डेटा का किस तरह से इस्तेमाल करता है ये कोई भी नहीं जानता है, इसलिए डेटा कंसर्न बन जा रहा है हम सभी लोगों को। इसी वजह से व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के कारण सभी लोग परेशान हैं। खैर, मैं तो कहूंगा कि आप व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम को यूज ना करके सिग्नल ऐप को यूज करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिक्योर है। सिक्योरिटी के मामले में मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।